तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये जो हम पार्किंग बेच रहे हैं क्या इस पर भी जीएसटी आएगा? तो सरकार ने कहा यस, जो आप पार्किंग की जगह बेच रहे हो ना, क्योंकि आप सेपरेटली अमाउंट चार्ज कर रहे हो, देयरफॉर दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इस पर जीएसटी भी आएगा एट द रेट ऑफ 18%। जीएसटी का रेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। केस लॉज इशिता जी आज तक नहीं आए हैं, सेफर साइड में करवा के रखता हूं। भूले भटके का भी 5 नंबर का आ गया तो आपको जमना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी आपका लगेगा आपका 18% का। डन, परफेक्ट। चलो फाइनली चैप्टर आपका होता है समाप्त, है ना? बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपको समझेगा कि चैप्टर कितना समझा है ना? चलिए तो ये देखो क्वेश्चन बैंक है सर, कौन सा वाला क्वेश्चन बैंक है, ये आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, ठीक है? व्हाट्सएप पर नहीं, ये आईसीए, ये सी इंटर का है, ठीक है? ये क्वेश्चन सी इंटर के, मैं पूरे सी इंटर करवाऊंगा और सीएस एग्जीक्यूटिव के आप खुद करेंगे। जो आपको हार्ड कॉपीज मिली है ना, आपके घर पे आई होंगी या जो आपको ऑफिस से मिला होगा, वो सारा आईसीएसआई का मॉड्यूल है। उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, चिल्लर क्वेश्चन है, तो उसको आप खुद से कर लेंगे। जैसे चैप्टर खत्म हुआ ना, ये मैं आपके साथ डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आईसीएसआई वाला आप आज कल में निपटा देना, उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं डालें, 10-10 क्वेश्चन मुश्किल डालें, है ना, पर चैप्टर। तो आईसीएसआई मॉड्यूल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप उसको कर लेना, उसमें कोई दिक्कत आई तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है? और ये सीए इंटर का मॉड्यूल है, इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, तो मिक्स करके मैंने इसको बनाया है। आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था एक वन स्टॉप सॉल्यूशन करके, उसमें पॉइंट नंबर 6th में है। जिनको नहीं मिला होगा मैं अभी तुरंत वापस से भेज देता हूँ, उसमें जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है? चैप्टर नंबर 2nd है आपका सप्लाई अंडर जीएसटी। हाँ जी, वो लंबा चौड़ा मैसेज है ना, उसको रीड ओनली नीचे और मिलेगा, देखो रीड मोर करके मिलेगा आपको, है ना? यस हाँ, उसी में आपको मिलेगा। डीटी का एक्चुअली कंपाइल करना बचा है, कंपाइल करके ऐड कर देता हूँ, बोला हुआ है कंपाइल करना बचा हुआ है। यूनिक की क्वेश्चन बैंक अलग ही गया, दोनों यूनिक की क्वेश्चन बैंक है, अरे मैंने ही दिए हुए हैं, चिंता मत करो, ना अकेडमी अलग से नहीं देती है। आपके पास 2 क्वेश्चन बैंक डीटी के हैं, 2 आईडीटी के हैं, ठीक है? एक जो आपको मिला हुआ है मिक्स है, डीटी आईडीटी उसमें दोनों है, और जो मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा हुआ है उसमें आईडीटी का अलग है, डीटी का अपलोड मैं कल परसों तक कर दूंगा, ठीक है? अभी आईडीटी वाला जो है मैं वापस से भेज देता हूँ, उसमें समरी नोट्स वगैरह वगैरह सब हैं। तब तक आप ये क्वेश्चन नंबर 1st पढ़िए, और एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं जो आपके क्वेश्चन है ना, जैसे जैसे आप करते जाओगे इनका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है? फर्स्ट वाला रीड करिए प्लीज। ओपन नहीं हो रहा होगा तो टेलीग्राम पे यहां वहां से दोस्तों से मंगा लेना, है ना कोई भेज देगा आपको। ना 6th वाले पॉइंट में देखिए, आपको टेक्स्ट समरी एंड अमेंडमेंट नोट्स लिखा है, उसी में क्वेश्चन बैंक भी है ना, सारे नोट्स उसमें आपको मिल जाएंगे, रेगुलर वाले नहीं मिलेंगे, है ना? उसके अलावा सब इसमें है। तो इसमें मैराथन्स, रिविजन, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस भी पहले मैं ले चुका हूँ, है ना, जून 24 के लिए, सेम ही है, उसकी भी लिंक वैसे है, किसी को अगर आगे आगे करना हो, है ना, क्वेश्चन देख के करना हो तो वहां से भी कर सकते हो। हाँ जी, आईडीटी का लिया था ना, सेम उसी में, उसके भी सेशंस अपलोडेड हैं, यस, है ना? ऑफ कोर्स मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, बट पांच छह क्वेश्चन लिखाऊंगा। एक बार मैं वापस से आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है? उसको प्लीज आप अपने दोस्तों को सर्कुलेट कर देना। रिवीजन मैराथन सब है, अश्रुति पूरी लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उस मैसेज को प्लीज सेव रखो कहीं पर, उसमें सारी चीजें हैं। जब तक आप ये पढ़िएगा प्लीज। टू पॉइंट वन आईडीटी का क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है, उसमें 2.1 में क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्या लिखा है?
जो पीडीएफ है आपके पास? नहीं, इसका नहीं। एक बार दिखाना, ये क्वेश्चन बैंक दिखाना। देखो, ये वाला क्वेश्चन बैंक आपको मिला होगा, हाँ नहीं, या फिर आपके एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अपलोडेड होगा। ये कौन सा वाला क्वेश्चन बैंक है? इसमें पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल कवर्ड है, तो ये इजी है, ठीक है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं और जहां जहां पर दिक्कत आई पूछ सकते हैं। मेरी प्रायोरिटी रहेगी सी इंटर के क्वेश्चन करवाना, क्योंकि हाई लेवल है और एग्जाम में उससे कम ही लेवल आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो मैं करवा रहा हूँ आपको, अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका सी इंटर का क्वेश्चन पूरा पूरा मॉड्यूल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक कहाँ पर मिलेगा? तो व्हाट्सएप पर मिलेगा आपको, यानी आपके पास हार्ड कॉपीज भी नहीं है, व्हाट्सएप में आपके पास मैंने जो अभी मैसेज भेजा है वन स्टॉप सोल्यूशन करके, उसमें है। पॉइंट नंबर 6 में आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। IDT का है, DT का 2-3 दिन में वहां पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें DT प्लस IDT दोनों है, ठीक है। एंड वो जो आपके पास रहेगा, IDT ऑलरेडी अपलोडेड है, DT भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, डन। चलिए, क्या बोल रहे हो? वो पूरा मैसेज चेक करो, आपको मिल जाएगा। चलिए, करेगा स्टार्ट। तो इसमें देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको लिखवाऊंगा ताकि आपको अंदाजा लगे कि लिखते कैसे, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो पहला वाला क्वेश्चन है, यस रिद्धि कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आईसीएसआई मॉड्यूल में सब आपको बिखरा बिखरा मिलेगा, तो आपकी इच्छा, सुनिएगा। पहला है मेघराज एंड को, मेघराज एंड को विशेष टू कमेंस द बिजनेस ऑफ, है ना, कमेंस मतलब स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। Kindly state as to what is the taxable event under GST and levyability of CGST, SGST वगैरह वगैरह on the same। तो यहां पर पूछा है कि भाई मेघराज जो है वो बिजनेस चालू करने वाला है पंजाब में भी और आसपास के स्टेट्स में भी, तो पहले तो पूछा है कि भाई टैक्सेबल इवेंट क्या रहेगा, एंड सेकेंड बोला है कि भाई लेवीबिलिटी ऑफ CGST, SGST वगैरह वगैरह कब आएगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? रोन प्रिंट करवा लो बिल्कुल, हाँ जी। तो पहले तो पूछा है कि भाई व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट, ये नहीं पूछा है व्हाट इज द सप्लाई, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट। सो द टैक्सेबल इवेंट फॉर GST इज सप्लाई, पहला मुद्दा ये। सेकंड पूछा है कि भाई CGST SGST वगैरह लेवीबिलिटी बताइए, मतलब ये कब आता है आपको बताना है ना, तो कब आता है? तो इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सप्लाई, इफ दिस इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई विच टैक्सेस विल बी लेवीएबल, CGST एंड SGST इक्वली वुड बी लेवीड, एंड इफ दिस एन इंटर स्टेट सप्लाई देन IGST वुड बी लेविड, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपको चिल्लर चिल्लर प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो यहां पर क्या बोला है, नीचे आंसर्स भी दिए, जैसे आंसर दिए एग्जाम में वैसे लिखना होता है, ठीक है। तो हमने बोला टैक्सेबल इवेंट अंडर GST सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ फॉर कंसिडरेशन इन अ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये टैक्सेबल इवेंट हो गया। फिर नेक्स्ट वाला मुद्दा, इंट्रा स्टेट सप्लाईज है तो CGST SGST विल बी लेविड एंड इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST विल बी लेविड। तो आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में सॉल्विंग ज्यादा है, इसमें प्रोविजन राइटिंग ज्यादा है, ठीक है। IDT में जो भी आप करोगे मोस्टली पहले आपको प्रोविजन लिखना पड़ता है, अगर कैलकुलेशन रहे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा। जैसे इस वाले चैप्टर में आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं मिले, अगले वाले चैप्टर में भी नहीं मिलेंगे। जब आप उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5th, जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा, उसमें थोड़े से कैलकुलेशंस हैं, डेट्स वगैरह आपको निकालनी पड़ेगी। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला फंडा है, है ना, वो आपको वहां पर कैलकुलेशंस है। बाकी पूरे IDT में आपकी मेनली प्रोविजन राइटिंग रहेगी और प्लेन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, एक्सप्लेन व्हाट इज GST, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ GST, ऐसे नहीं आता है। सारे के सारे केस बना के पूछेंगे जैसे यहां पर पूछा है, ठीक है। लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि IDT का पेपर आपको ईजी जाएगा, आपको कितना ही DT स्टार्टिंग में पसंद हो, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है ना, एंड में आते आते कई बार जो है वो IDT का वेटेज भारी हो जाता है ना, आपको समझेगा, क्योंकि DT धीरे धीरे वास्ट होता जाएगा, है ना, IDT एक जैसा चलेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सुनिएगा, तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड, देखो ये सब देखना जरूरी है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, चाहे DT में चाहे IDT में, तो स्टार्टिंग नाम क्या है वो, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये किसका क्वेश्चन है,
एक कंपनी का है, लिस्टेड अनलिस्टेड हमको मतलब नहीं है, एक कंपनी का है। अगर ये मिस्टर दामोदर लिखा होता तो ये एक इंडिविजुअल का होता है ना, दामोदर फर्म लिखा होता तो पार्टनरशिप फर्म का होता। तो चाहे डीटी करो चाहे आईडीटी करो, नाम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पर हो सकता है आपका आंसर बदल जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इनकम टैक्स में कैलकुलेशन कर रहे हो, हमें बोला कि भाई मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए कमाए, तो आप इंडिविजुअल वाला स्लैब लगाओगे। हमने कहा ए लिमिटेड ने 10 लाख रुपए कमाए, तो आप कंपनी वाला रेट लगाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो पर्सन का नाम है वो भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्लियर, डन। ओके, तो यहां पर देखिए, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड जो है, दिस इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, इज प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स ब्रांच रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल विदाउट एनी कंसिडरेशन सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच। इतना पढ़ के क्या क्लिक होता है आपको? शेड्यूल वन डीम्ड सप्लाई, कंसीडरेशन मिसिंग है, कौन सा वाला पॉइंट है? हम मतलब लिखोगे क्या उसमें, है ना? एज पर शेड्यूल नंबर वन गिवन अंडर दी सीजीएसटी एक्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन दी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। तो आपको प्रोविजन से स्टार्टिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको मुद्दा समझाना, इशू किसका है। इशू में क्या बोला कि भाई दिल्ली वाला भी रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल वाला भी रजिस्टर्ड है और विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब ये शेड्यूल वन की बात कर रहा है। तो आपको पहले प्रोविजन में सेक्शन शेड्यूल वन क्या है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? द कंपनी बिलीव्स दैट, कंपनी को ऐसा लगता है ट्रांजेक्शन दैट विल बी अंडरटेकन बाय इट वुड नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। इनको लगता है कि भाई ये सप्लाई नहीं है, एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, ऐसा कंपनी को लगता है। असर्टेन वेदर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय दामोदर प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स ब्रांच ऑफिस वुड क्वालिफाई एज सप्लाई। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो प्रोविजन लिखेंगे पहले, चल लिख लेते हैं एक बार साथ में। तो आप लिखिएगा सेकंड क्वेश्चन बैंक है आपका, ये पेज नंबर 2.1 क्वेश्चन टू, पेज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। वैसे तो आंसर पीछे भी है, लेकिन आपके खुद के लिखने की थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। ये जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं सीए इंटर के लेवल का है। हाँ जी, सीए इंटर के लेवल का है। चलो सुनो, तो यहां पर क्या बोलते हैं ये, देखो हमको ना सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट प्रोविजंस लिखने होते हैं। शेड्यूल वन में वैसे तो 4 पॉइंट होते हैं, हमने सिर्फ रेलेवेंट लिखा तो भी चलेगा। हो सकता है मॉड्यूल में आपको थोड़ा थोड़ा आपके, आज थर्सडे ना, वेरी नाइस यार, प्लीज इसका प्लग वहां लगा दो ना, कुछ चढ़ के प्लग निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, लाइव वाले बच्चों थोड़ा इंतजार करो, उसको पकड़ के नहीं चढ़ना है, प्लग निकालो पूरा, उसको जो है मैरी गो राउंड करो, है ना, उसके बाद आपको कैमरा लगाना पड़ेगा। चलिए, जब तक आप ट्राई करिए, जब तक आप ट्राई करिए, आगे लिखिए अपने हिसाब से, लिखिए क्या लिखेंगे। बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं, उसको कभी देखा नहीं है कैमरा, वायर गोल गोल घुमा के कैसे निकाली जाती है। यूट्यूब वीडियो बना दें, है हाउ टू प्लग अ कैमरा। चलिए, है ना, करिए, जब तक आप ट्राई करिए आप। एज पर शेड्यूल वन आगे, तो लिखवाने वाला हूं पर मैं दिख नहीं पा रहा हूं ना, अभी मैं इनविजिबल हूं, अभी लाइव वाले बच्चों को मजा नहीं आता, बोले चेहरा दिखना चाहिए।
बस 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 हो जाएगा, उतना सफिशियंट है, उधर लगाना पड़ेगा। हाँ जी, वहीं से पीछे लगा दो, वहीं से ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, एज पर शेड्यूल वन ऑफ सप्लाई, गिवन अंडर दी सीजीएसटी एक्ट, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन दी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन द रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इज कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो ये आपका ये बेसिक यहां पर प्रोविजन हो गया। ठीक है, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट पर्सन का केस दिया है ना, तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द डिस्टिंक्ट पर्सन, क्या होता है डिस्टिंक्ट पर्सन, कैसे लिखेंगे। प्रोविजन में प्रोविजन के जैसे लिखना पड़ेगा। हाँ, तो कैसे लिखेंगे बताइए। शिफा, पहले आपको लिखना पड़ेगा इसमें प्रोविजन। ठीक है, तो देखिए, डिस्टिंक्ट पर्सन डिफाइंड है सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 में। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन डिफाइंड है 25 सबसेक्शन 4 में। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं होता है तो आपको लिखना पड़ता है एज पर दी रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट 2017, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन, या रिक्वायर्ड टू बी रजिस्ट्रेशन, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कैसे भी आप लिख सकते हो, और रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस
ऑफ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस ईदर इन दी सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट देन फॉर ईच सच रजिस्ट्रेशन दे आर कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये आपने सबसे पहले दोनों प्रोविजन लिख दिए, रिलेटेड पर्सन डिफाइन नहीं करेंगे बेटा, जिसकी जरूरत है उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है, जो प्रोविजन पूछा है सिर्फ उतना ही करेंगे। भूमिका ठाकुर जी आपके एप्लीकेशन पर अपलोडेड मिल जाएगा आपको। सर केस स्टडी क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, अभी जीएसटी में सेकंड क्वेश्चन कराया मैंने आपको जीवन का, आपके वेट करो ना आप थोड़ा, पहले को सोच तो नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन समझाना आपको, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। चलिए, तो पहले आपने प्रोविजन लिख लिया शेड्यूल नंबर फर्स्ट का, फिर आपने प्रोविजन लिख लिया यहां पर एक डिस्टिंक्ट पर्सन का, ठीक है, इनकम डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे, तो ये प्रोविजन हो गया, ठीक है। अब आप डायरेक्टली जो है कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हो, कहानी में क्या था उसको डिनोट करते हुए, उसको बताते हुए, इन द गिवन केस इन द गिवन केस, हाँ जी अब्बड़ सर ऊपर बड़ा वाला क्लासरूम है ना, हाँ उसमें होंगे, ले लो ना कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर क्या बोला है इन्होंने कि इन द गिवन केस, क्या नाम है, इन द गिवन केस the place of business of Damodar Private Limited are registered at two separate places, that is in Delhi and in वेस्ट बंगाल। थोड़ा कॉन्शियस होकर लिखो, समझ समझ के लिखो, छापने के हिसाब से मत लिखो, कुछ समझेगा नहीं आपको बाद में, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा समझ समझ के लिखो ना, आपको ही लिखना है क्योंकि एग्जाम है, मेरा तो हो गया सब, है ना, ठीक है। तो आप थोड़ा कॉन्शियस होकर लिखो कि भाई क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बोला इन द गिवन केस प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दामोदर प्राइवेट लिमिटेड आर रजिस्टर्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज दिल्ली एंड इन वेस्ट बंगाल। Therefore, these are distinct persons. तो पहले हमने प्रोविजन बता दिया क्या क्या है, फिर हमने प्रूव कर दिया कि भाई देखो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है ना, प्रोविजन के हिसाब से हमने इस वाले पैराग्राफ में प्रूव कर दिया कि भाई देखो ये लोग डिस्टिंक्ट पर्सन है क्योंकि सेपरेटली रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके नीचे therefore these are distinct persons, hence दी क्या भेजा इन्होंने, ट्रांसफर ऑफ सिंपली गुड्स है ना, ओके, हेंस दी ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन दीज टू डिस्टिंक्ट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज supply as per schedule number 1। ये चैप्टर इजी लगा, आगे देखे क्या होता है, सब इजी है बेटा पूरा आपको, लेकिन अटेंड करना पड़ेगा। Therefore these two distinct persons will be considered as supply as per schedule number 1। So ठीक है, सप्लाई तो है,
इसमें कंपनी क्या बोल रही थी, कंपनी का ऐसा कहना था, कंपनी ऐसा बिलीव कर रही थी कि भाई ये सप्लाई नहीं है। सो दी कंटेंशन ऑफ कंपनी इज इनकरेक्ट। कंटेंशन नहीं लिखना है तो बिलीफ लिख दो ना। सो द बिलीफ ऑफ कंपनी इज इनकरेक्ट, मतलब जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा आंसर करना है। क्वेश्चन में बोला था कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई ये सप्लाई नहीं है, तो हमको कंक्लूड ऐसे ही करना पड़ेगा, कंपनी को जो लगता है वो गलत लगता है। ठीक है, सो द बिलीफ ऑफ कंपनी इज इनकरेक्ट। ओके, अब ये सब ना आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस होगा, जितना आप लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, है ना। रुक जाओ, मैं छोड़ नहीं रहा हूं अभी, सुनिए। जब भी आप आंसर लिखते हैं ना, अब मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पॉसिबल होगा तो आपको कीवर्ड जो है वो अंडरलाइन करके रखने। ठीक है, तो साथ साथ में करते हुए चलना, आखिरी में आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हो गए, शेड्यूल वन में क्या बोला है, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होना चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। ये कीवर्ड्स है ना। सेकंड क्या बोला है, देन आपका अ पर्सन रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड फॉर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, चाहे सेम स्टेट में हो चाहे डिफरेंट स्टेट में हो, फॉर ईच सच रजिस्ट्रेशन हम उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। तो ये आपके कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, श्यामनी जी क्या नहीं समझा आपको बताइए, राइटिंग नहीं समझी होगी तो ठीक है, समझ सकता हूँ मैं। इन द गिवन केस, अच्छा ये हमने प्रोविजन लिख लिया, प्रोविजन कौन कौन सा लिखा, शेड्यूल वन था, है ना, फिर डिस्टिंक्ट पर्सन भी था, तो वो भी हमको बताना था ना भाई डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, इसलिए हमने उसका प्रोविजन लिखा। फिर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ गए कि भाई इस केस में क्या हुआ है, तो इस केस में हमने बोला कि भाई क्योंकि इन द गिवन केस यहाँ पर आपके टू सेपरेट प्लेसेस जो है वो रजिस्टर्ड हैं, देयर फोर वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसीलिए जो ट्रांसफर रहेगा बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन दिस इज अ सप्लाई, सो कॉन्टेंशन ऑफ कंपनी इज इनकरेक्ट या इनवैलिड। क्लेम भी लिख सकते हो, कॉन्टेंशन भी लिख सकते हो, बिलीफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पैराग्राफ वाइज ही लिखना है, पैरा वाइज ही लिखना है ना, ऐसे ही लिखना होता है, ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। हो गया, डन। चलिए, तो ये देखो पीडीएफ आपके पास है, ये 3 to 6 आप ट्राई करके आएंगे। ठीक है, इसको लिख के आएंगे, खुद से लिख के देखना, आप अटकोगे तो पीछे देख लेना, इसके नीचे आंसर है। ठीक है, लेकिन कोशिश करके पहले पूरा खुद से लिखना, भले बाद में मिटाना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी के लिए रुकते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे लंच के बाद, है ना, विद डीटी, क्या लाइट होपफुली चालू रहेगी तब तक, लाइट पूरी चली गई तो छोटी ठीक, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। काला जादू तो नहीं कर रहे, तो क्या बोल रहे हैं?